आज हम प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक मुख्य कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर मुख्यतया 60 साल की उम्र के बाद लोगों में पाया जाता है। इसके मुख्य लक्षण पेशाब का बार बार आना, पेशाब का रुक रुक कर आना, रात में बहुत पेशाब आना, पेशाब के साथ ब्लड का जाना और एडवांस केसेस में हड्डियों में दर्द होना या बैक एक होना मुख्य लक्षण होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करने से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं, अर्ली स्टेजेस में पता लगा सकते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए दो मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है, जो हमको ये बताता है कि इसका बढ़ा होने से प्रोस्टेट कैंसर की संभावना हो सकती है, तो हम इसकी मात्रा जांच सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यानी कि आपके गुदा द्वार से सर्जन या ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल अपनी फिंगर से आपके प्रोस्टेट को जांच सकते हैं, जिससे कि प्रोस्टेट का साइज़, उसकी कंसिस्टेंसी, उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं है, ये पता लग सकता है। अगर इन दोनों टेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो हमको ये पता लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं कहीं कैंसर तो नहीं है। उसको पता लगाने के लिए बायोप्सी करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस में भी प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ सकता है और सीरम पीएसए की मात्रा काफ़ी बढ़ सकती है। तो प्रोस्टेट कैंसर स्लो ग्रोइंग है कि फास्ट ग्रोइंग है, ये भी हमको पता बायोप्सी करने के बाद ही चलता है। तो प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग 60 साल की उम्र के बाद हर साल हर व्यक्ति को करानी चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में हार्मोन ब्लॉकेज बहुत अहम स्थान रखता है। अर्ली स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर का सर्जरी के द्वारा बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। दूसरा ऑप्शन रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के अलावा रेडिएशन का होता है, जिसमें हम रेडिएशन देकर प्रोस्टेट कैंसर की अर्ली स्टेजेस को ख़त्म कर सकते हैं। मोस्टली प्रोस्टेट कैंसर एडवांस स्टेजेस में पता लगता है और ऐसी स्थिति में हम लोग सर्जरी का भी सहारा ले सकते हैं। अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि यूरिन करने में, पास करने में बहुत परेशानी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो सर्जरी करके हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर सकते हैं। उसके बाद हार्मोन ब्लॉकेज और बोन को प्रिजर्व करने वाले ट्रीटमेंट देकर हम प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ को रोक सकते हैं। एडवांस्ड हार्मोन ब्लॉकेज और कीमोथेरेपी दूसरे ऑप्शंस होते हैं, जो प्रोस्टेट कैंसर को ठीक रखने में या उसको कंट्रोल में रखने में सहायक होते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर जिंदगी के साथ बिना कोई परेशानी किए हुए ट्रीटमेंट के साथ बहुत आराम से कंट्रोल हो सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जागरूक बनिए, समय समय पर अपनी स्क्रीनिंग कराइए और इस रोग को काबू में रखने में सहायक करें।